नानी माँ दादी माँ का किचन में आपका स्वागत है। आज मैं तिल और ब्रेड का कटलेट बनाने जा रही हूँ। कटलेट उसके लिए 3 आलू मैं उबाल ली हूँ, इसको छील कर मिला लूँगी और इसमें प्याज मिर्चा और धनिया पत्ती। मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसके लिए देखिए सरसों का तेल डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच के लगभग। इसमें ये मंगरेला, मंगरेला मेरा हो जाएगा, मंगरेला हो गया। अब इसमें प्याज, 1 प्याज डालना है, हरी मिर्च 3 से 4, ये प्याज देखिए हो गया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हाफ ब्राउन करना है, आधा। अब इसमें आप ये आलू डाल दीजिए, आलू डालकर इससे आप इसको ऐसे कूट दीजिए इसी प्याज में। मैं पहले से ही आलू उबाल ली थी, इसमें नमक अंदाज से डाल लीजिए। ये अब हो गया, लगभग मेरा हो चुका है, इसको अच्छे से एकदम मिला लीजिए। अब धनिया पत्ती डाल लीजिए इसमें, धनिया पत्ती मेरे गैस में बंद कर दी हूँ। देखिए बेसन मैं तैयार कर ली, इसमें थोड़ा 2 चम्मच दही डाली थी और 1 चम्मच तन मखाना का लावा का पाउडर, नमक, हल्दी और भुकी हुई मिर्ची इसमें डालकर आप इस तरह से मिला लीजिए। ये देखिए मेरे बेसन का ये पेस्ट इतना ही पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बस इतना होना चाहिए। एक प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, इसमें हल्का सा नमक डालना है, बहुत नहीं, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी भी एकदम थोड़ा सा डालना है। इसको ब्रेड को इस पानी में डाल दीजिए इस तरह, और इसको अच्छे से एकदम इससे पूरा पानी निचोड़ दीजिए। ये निचोड़ आ गया, इसमें आप ये जो भी आकार आप डालना चाहें, हम गोल बना लिए हैं, आप जो भी आकार डालना चाहें जो है आप इसको डालकर इस तरह से एकदम पूरा अच्छे से मोड़ लीजिए। इस तरह एकदम मोड़ लेना है इसको, एकदम गोला सा इस तरह बना लीजिए। ये देखिए इसमें तिल मिला ली हूँ, टोस्ट जो मार्केट में मिलती है उसका पाउडर बनाकर इसमें तिल मिला ली हूँ इसमें। अब इसको आप ये बेसन में डाल दीजिए इस तरह से, फिर इसको इसमें लपेट दीजिए इस तरह से, आपको जो भी आकार बनाना हो वो बना लो। तेल मेरे गरम है, इसमें डाल दीजिए इस तरह से, ये इस तरह से आप इसको अच्छे से लपेट लीजिए, तिल और टोस्ट का पाउडर इस तरह से लपेट लीजिए। आपको जो भी आकार बनाना हो आप बना सकती हैं, इस तरह पूरा अच्छे से तिल लपेटना है। एक कटलेट मैं बना रही हूँ, पूरा तिल लपेट लीजिए। ये देखिए कटलेट हम तो सब सारा बना ली हूँ
अब इस तरह से बनाकर कटलेट, इसमें तिल लगाकर और उसका चूरा टोस्ट का लगाकर अब तल लीजिए। देखिए मेरा, मैं पलट भी दी हूँ उसकी। ये आप जो भी आकार चाहें, लंबा गोल जो भी आकार बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं तो गोल ही बनाई हूँ। ये देखिए इस तरह से ब्राउन एकदम तल लेना है। देखने में इतना खूबसूरत ये लग रहा है और इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए इस तरह से आप एकदम ब्राउन अच्छे से इसको तल लीजिए। मैं गैस बंद कर दी हूँ। अब ये मेरा पूरा अच्छे से हो गया। ये देखिए एकदम पूरा ब्राउन अच्छे से हो गया। ये देखिए, ये देखिए इतना अच्छा। ये देखिए ये मेरा, मैं इसको काट देती हूँ, काट के देख लेती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से होना है। कटलेट तैयार हो गया। ये देखिए मेरा कितना क्रिस्पी बना है, एकदम इससे छूट नहीं रहा है, एकदम बहुत अच्छा बना ये। ये देखिए अब इसके साथ आप ये सॉस, टमाटर सॉस या चिली सॉस या धनिया पत्ती की चटनी, जिससे भी आपको पसंद हो उससे आप खा सकती हैं। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।